हेलो एवरीवन, आप कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ एक चिकन रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है एकदम यूनिक रेसिपी, और इतना यूनिक है कि आज ही मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया। और ट्राई करने के बाद अब तो मन कर रहा है कि जब भी मैं चिकन खाऊँ ना यही ट्राई करूँगी, और ये मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तेल को अच्छे से गर्म करना है, और इसके बाद देना है आपको जीरा और सूखे मिर्च ताकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए। मैंने इधर 5 सूखी मिर्च दिया था। उसके बाद आपको देना है मैरिनेटेड चिकन। तो अब मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से क्लीन करके रख दिया। तो इधर है 800 ग्राम्स चिकन। तो इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा साइज का प्याज और एक बड़ा साइज का लहसुन, और लहसुन का जो कली है वो मैंने लिया था। और इधर है एक टमाटर और 1/2 इंच का अदरक, 6 से 7 हरी मिर्च। और इसको ना अच्छे से मैं पानी दे के अच्छे से मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया और इसका एक पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसको मैरिनेट किया। और सूखे मसाले में मैंने इसमें यूज़ किया नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने इसमें जीरा पाउडर यूज़ नहीं किया क्योंकि किचन किंग का जो चिकन मसाला है उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें जीरा का पाउडर भी रहता है, तो मैं वो अलग से मैंने जीरा पाउडर यूज़ नहीं किया। और इसके बाद मैंने इसको ऐसे कवर करके ना 45 मिनट्स लो फ्लेम में अच्छे से बॉईल किया। और जो चिकन है उसके साथ मैंने दिया था एक्स्ट्रा, जैसे कि बंगाली स्टाइल है तो आलू तो ज़रूर देना है, तो एक बड़ा साइज़ का आलू मैंने ऐसे चॉप करके दिया था। और दिया था जो लहसुन होता है ना, वो वाला लहसुन मैंने दिया था, साबुत वाला। तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, बट गाइस ये देने से अच्छा ही लगता है। और अब जो है तड़का खाने का वो मैं बना रही हूँ। तो साइड में एक फ्राइंग पैन लेके मैंने तेल में अच्छे से एक बेरस्ता बना लिया प्याज का, और इसमें मैंने नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ऐसे प्याज को फ्राई करना है ताकि वो ज़्यादा जले ना और अच्छे से मतलब कुक भी हो जाए। उसके बाद चिकन में मैंने ऐड किया, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे बोल रहे थे कि चिकन में उसको मतलब जो कच्चे प्याज का जो होता है ना एक स्मेल वो आता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने वही थिंकिंग से मैंने ये रेसिपी ट्राई किया। तो आप एक बार करना। पहले प्याज ऐड करने से क्या होता है, प्याज एकदम ज़्यादा बॉयल हो जाता है और ये जो है ना मतलब लच्छे टाइप का जो होता है वो मुंह में आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार ट्राई करना। उसके बाद पानी से आपको उसका जो ग्रेवी है वो बनाना है। आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उतना पानी यूज़ कर सकते हो। और ऐसे सिंपल टाइप का चिकन बन गया।